ही एक दिन इन परिंदों के साथ उड़ूंगा। अभी शिव उड़ता हुआ झील के ऊपर से ही गुजर रहा था कि तभी जोर से आंधी चलने लगी। हे भगवान, इस तेज आंधी से तो मेरी उड़ने की शक्ति छीन ली है। चूंकि आंधी का रुख शिव के उड़ने की विपरीत दिशा की ओर था, इसलिए वह हवा में ही स्थिर हो गया। हवा के तेज थपेड़ों ने उसके कपड़े अस्त व्यस्त कर दिए और तभी जादुई हार उसके गले से निकला और झील में जा गया। हाय मेरा हार! और उसी के साथ शिव भी झील में जा गया। शिव ने कई बार गोता लगाकर हार ढूंढने का प्रयास किया मगर फिर असफल हो उसे किनारे की ओर लौटना पड़ा। किनारे पर पहुंचकर वह वहीं बैठ गया। क्या मैं अब राजकुमारी को उस दुष्ट राक्षस से मुक्त नहीं करा पाऊंगा? तभी उसे उस हंस की याद आई जिसने उसे एक बार बहेलियों से बचाया था। उसने हंस को पुकारा, हंस भाई मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी आकाश से उड़ता हुआ हंस प्रकट हुआ। मैं जानता था तुम जरूर आओगे। कुछ ही देर में वह शिव के पास उतर गया। कहो मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मित्र, मेरा हार उस झील में खो गया है। अगर वह हार न मिला तो एक निर्दोष राजकुमारी को कभी भी एक दुष्ट राक्षस से मुक्ति न मिल सकेगी। मित्र, राजकुमारी को राक्षस से दुख मुक्ति जरूर मिलेगी। मैं अभी झील से हार निकाल कर आता हूँ। कहकर हंस उस झील की तरफ उड़ गया और शिव के बताए स्थान पर पहुंचकर उसने झील में डुबकी लगा दी। और कुछ ही देर बाद जब वह बाहर निकला तो हार उसकी चोंच में दबा था। ओह मित्र, तुमने मेरी कितनी बड़ी मुसीबत हल कर दी, मैं तो निराश हो चुका था। जाओ मित्र, अपनी यात्रा प्रारंभ करो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। शिव ने गले में हार डाला और हंस से विदा लेकर एक बार फिर अपने लक्ष्य की ओर उड़ चला। मैं आ रहा हूँ कादम्बा, तू और तेरा क्रूर बेटा अब कुछ ही देर के मेहमान हैं। लेकिन शिव अपने पीछे आ रहा एक नए मेहमान की उपस्थिति से अनजान था। विशालकाय भेरुंड पक्षी ने पकड़कर उसे अपने पंजों में दबोच लिया। हे भगवान, यह क्या मुसीबत है! पक्षी न जाने कितनी देर उसे लिए उड़ता रहा। भय की अधिकता के कारण शिव बेहोश हो गया और जब शिव को होश आया तो उसने अपने को पथरीली जमीन पर पाया। उसने आंख खोली तो वह हैरान रह गया। ओह, इतना गहन अंधेरा, हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा। वह उठा और आगे बढ़ने लगा। शायद यह भेरुंड पक्षी ही मुझे यहाँ छोड़ गया है। आगे बढ़ता हूँ, कहीं तो रोशनी नजर आए। वह रोशनी की तलाश में आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया मगर रोशनी की एक भी किरण उसे नजर नहीं आई। तभी उसने जोर से ठोकर लगी और वह लड़खड़ा कर गिर गया। ओह, क्या मैं कभी इस अंधकार से बाहर नहीं निकल सकूंगा? नहीं, सूर्यास्त से पहले राजकुमारी को आजाद कराना है। वह फिर हिम्मत करके उठा और आगे बढ़ने लगा और तब तक उस शैतान की आंत की तरह लंबी गुफास में चलता रहा जब तक कि बेदम होकर गिर न गया। तभी अंधेरे में उसे दो मोती चमकते दिखाई दिए। अरे यह क्या है! ये मोती और कुछ नहीं बल्कि उस उल्लू की आंखें थी जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। अरे यह तो उल्लू है। हाँ मित्र, मैं वही उल्लू हूँ जिसे तुमने एक बार मूर्ख लड़कों से बचाया था। मित्र, मैंने कहा था ना कि जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अवश्य आऊंगा। इस अंधेरे से मैं ही तुम्हें निकाल सकता हूँ। आओ, मेरी आंखों का पीछा करते हुए चलते रहो। शिव में जैसे नई चेतना जागृत हुई, वह फुर्ती से खड़ा हुआ और उल्लू की आंखों का पीछा करने लगा। कुछ ही देर बाद उस अंधेरी गुफा का मुहाना नजर आया। ओह मित्र, वाकई आज मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत थी। गुफा से बाहर आकर शिव ने उल्लू से विदा ली और फिर उड़ चला। कुछ ही देर बाद उसे एक झील नजर आई। अरे यही है वह झील, बीच में कादम्बा का जादुई महल भी नजर आ रहा है। और पास आने पर जब शिव ने महल को देखा तो वह विस्मित रह गया। हे भगवान, यह कैसा चमत्कार है! झील का पानी महल की चार दीवारी को छू भी नहीं रहा। शिव महल के प्रवेश द्वार के पास उतर गया। उसने जिज्ञासावश पानी की दीवार पर हाथ लगा लिया। परिणाम स्वरूप पानी के छींटों ने उसे भिगो दिया। ओह, लगता है कादम्बा ने पानी को अपने जादू से बांधा हुआ है। वह महल में प्रविष्ट हुआ तो फलों से लदे बगीचे को देखा। उसकी भूख भड़क उठी। कुछ सेब तोड़कर खाता हूँ। उसने सेब तोड़कर जैसे ही खाने के लिए मुंह की तरफ बढ़ाया
सेब तोता बनकर उसके हाथ में फड़फड़ाने लगा। ओह, यह क्या हुआ? उसने घबरा कर तोते को उड़ा दिया। इसके बाद उसकी कोई और फल तोड़ने की हिम्मत न हुई। वह महल में प्रविष्ट हो गया। कुल्हाड़ी हाथ में ले लेता हूँ, न जाने कदम्बा मेरे साथ कैसे पेश आए। महल में प्रविष्ट होते ही उसका सामना कदम्बा से हुआ। आ गया तू, मेरे बेटे को मारने आया है। शिव कदम्बा को हंसता देखकर हैरान था कि तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह एक तहखाने में जा गिरा। आह! उसकी कुल्हाड़ी शेर के कदमों के पास गिरी। ओह, यही वह सिंह है जिसमें कदम्बा व राक्षस की जान है। सिंह ने धारते हुए शिव पर छलांग लगा दी और दोनों घुस गए। कभी शिव नीचे तो कभी सिंह नीचे। काफी देर संघर्ष के बाद शिव कुल्हाड़ी उठाने में कामयाब हो गया। दुष्ट राक्षस, अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उधर सूर्यास्त से कुछ ही पहले राक्षस राजकुमारी के कटे सिर के पास लौट आया। राजकुमारी, आओ, बहुत आराम कर लिया। उसने अपना विशालकाय हाथ राजकुमारी की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन आश्चर्य, तभी उसका हाथ उसके कंधे से अलग हो गया। दुष्ट राक्षस, तेरा अंत आ गया है। शिव तेरा काल तेरे सिंह के पास पहुंच गया है। कौन शिव, कैसा काल? मैं अभी अपने माँ के महल पहुंचता हूँ। मगर जैसे ही उसने वहां से जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, उसकी टांग कटे वृक्ष की भांति जमीन पर आ गिरी। उधर शिव कुल्हाड़ी के प्रहारों से सिंह के चारों पैर काट चुका था। उसने आखिरी बार किया और उसकी गर्दन उड़ाई। ले मर दुष्ट, राक्षस के भी प्राण त्याग दिए। उधर सिंह के मरते ही उस तहखाने में अंधेरा छा गया और जब रोशनी हुई तो शिव ने स्वयं को झील के किनारे पाया। ओह, कदम्बा का जादुई महल जलमग्न हो गया। तभी बहुत से पक्षियों ने शिव को घेर लिया। अरे, यह कोई नई मुसीबत आ गई क्या? पक्षियों में से एक कबूतर बोला, शिव, हम सब तुम्हें धन्यवाद देने आए हैं। कदम्बा ने हम सबको फल बनाकर अपने बागीचे में कैद करा रखा था। तुम्हारे कारण ही हमें इससे मुक्ति मिली है। पक्षियों से विदा लेकर शिव वापस राजकुमारी के पास उड़ चला। आजाद होकर कितनी खुश होगी वह, बोली राजकुमारी, इन पक्षियों से भी कहीं ज्यादा। शीघ्र ही, राजकुमारी, जल्दी से मुझे वह विधि बताओ जिसके द्वारा मैं तुम्हारा सिर धड़ से जोड़कर तुम्हें स्वतंत्र कराने का यह अधूरा कार्य पूर्ण कर सकूं। शिव, इस पेड़ के कुछ पत्ते तोड़कर उनका रस मेरी गर्दन पर लगाकर धड़ से जोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। शिव ने पेड़ से कुछ पत्ते तोड़े और राजकुमारी का सिर पेड़ से उतार कर गुफा की तरफ चल दिया। गुफा में पहुंचकर उसने पत्तों को पीस कर रस निकाला और राजकुमारी की गर्दन पर लेप लगाकर धड़ से जोड़ दिया। अगले ही क्षण राजकुमारी खड़ी हो गई। शिव, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसका बदला चुकाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और यह कि मैं आजन्म तुम्हारी दासी अर्थात जीवन संगिनी बनकर तुम्हारी सेवा करती रहूं। राजकुमारी शिव के चरणों में झुक गई। क्या तुम मुझे अपने चरणों में स्थान दोगे? शिव ने लपक कर उसे उठा लिया। उठो राजकुमारी, तुम्हारी जगह मेरी चरणों में नहीं, मेरे दिल में है। फिर दोनों उसी जादुई हार द्वारा उड़कर राजकुमारी के राज्य सूर्यपुर चल दिए। राजकुमारी लालमणि को दोबारा देखकर महाराज की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, हम तो तेरे लौटने की आस ही खो बैठे थे। सारी कहानी सुनी तो शिव का विवाह राजकुमारी से करवा दिया। फिर कुछ दिनों के बाद राजा ने शिव को गद्दी पर बैठा दिया और इस प्रकार शिव मामूली लकड़हारे से राजा बन गया।